भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच रविवार को दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला गया। आपको बता दें कि इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 4 विकेट से शिकस्त देते हुए सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 20 ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेट पर 148 रन बनाए। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 2 ओवर शेष रहते इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम की इस मैच में हार के बाद कप्तान से लेकर टीम को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन भारतीय टीम की इस हार से ज्यादा अब चर्चा उस बात को लेकर के हो रही है जिसके लिए भारतीय फैन से लेकर दिग्गज खिलाड़ी भी नाराज दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि इस मैच में दिनेश कार्तिक जैसे अनुभवी बल्लेबाज के होते हुए अक्षर पटेल को उनसे पहले बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया। बता दें कि हार्दिक पांड्या 13वें ओवर में अपना विकेट गंवाकर जब पवेलियन लौटे तो उसके बाद अक्षर पटेल को दिनेश कार्तिक से पहले बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया। अक्षर पटेल को बल्लेबाजी के लिए आता देख सभी फैंस ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। फैंस ने सवाल उठाए कि आखिर जब आपके पास अनुभवी दिनेश कार्तिक जैसे बल्लेबाज हैं तो आपने अक्षर पटेल को पहले बल्लेबाजी करने के लिए क्यों भेजा। तो आपको बता दें कि अब इसी सवाल का जवाब श्रेयस अय्यर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया है। श्रेयस अय्यर ने अपने बयान में कहा कि हमारे पास 7 ओवर बचे थे और अक्षर पटेल स्ट्राइक रोटेट करने में माहिर हैं। हम नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा बल्लेबाज आए जो आते ही हिट करना शुरू कर दे। दिनेश कार्तिक भी स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं, लेकिन 15 ओवर खत्म होने के बाद वो काफी जबरदस्त बल्लेबाज हैं। वो तब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि अक्षर पटेल को दिनेश कार्तिक से पहले भेजने का ये फैसला पूरी तरह से फ्लॉप साबित रहा, क्योंकि अक्षर पटेल महज 11 ही गेंद खेल कर अपना विकेट गंवा बैठे। वहीं दिनेश कार्तिक की बात करें तो उन्होंने 30 रन बनाकर भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया और टीम को पारी फिनिश करके भी दी। अब ये देखना होगा कि क्या इस तरह की गलती तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय में भी भारतीय टीम दोहराती नजर आएगी, या फिर दूसरे और पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय में जो गलतियां हुई है उसे भारतीय टीम सुधारती दिखाई देगी। देखना दिलचस्प होगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।